हे दलवेज हाउ आर यू ऑल कैसी है मेरी लावीज आदमी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू जिन लोग के पास ये वीडियो पहुंचा है अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे डेली थ्री वीडियोज़ का पार्ट आप ज़रूर बने आज की रीडिंग्स में हम देखने वाले हैं कि वीकली टारो कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है क्या बदलाव क्या एक्सपीरियंसेस आप चीज़ों से लेने वाले हो आज हम इस बारे में बात करेंगे तो चेक करेंगे एनर्जीज और सबसे इंपॉर्टेंट ज़ आज हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आज हम हर कार्ड को बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सात दिन पूरा हफ़्ता है क्या एनर्जीज़ होंगी क्या हो सकता है आपकी लाइफ में आज हम इस बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें आने वाला हफ्ता कैसा है किस चीज़ पर हमें फोकस करना है क्या बदलाव आएंगे सब चीज़ों को लेकर डिवाइन गाइड करें प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि आने वाला हफ़्ता उनके लिए कैसा होने वाला है मेरे व्यूवर्स को गाइड करें कि आने वाला हफ़्ता उनके लिए कैसा होने वाला है आने वाला हफ़्ता मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है आने वाला हफ़्ता मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है ध्यान रखिए रीडिंग्स जनरल हैं अगर आपको ट्रस्ट है आपको भरोसा है हर एक रीडिंग्स आपको रेजोनेट करेगी <videos> डीप ब्रीदिंग करें और कार्ड्स की एनर्जीज के साथ जुड़ने की कोशिश करें डिवाइन गाइड करें जो भी ये व्यूअर ये वीडियो देख रहा है उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है ओके okay. पहला कार्ड ओ माय गुडनेस पहला कार्ड देखो थ्री ऑफ कप्स का है मतलब इतना पॉजिटिव कार्ड पहले ही कार्ड का इंडिकेशन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया गया है एस ऑफ सोट्स का कार्ड आ गया है वाओ 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 डू क्लेम द रीडिंग्स द फूल का कार्ड आया हुआ है तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वाओ ये हफ्ता तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और नाइट ऑफ व ऑल द कार्ड्स आर डैम 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 पॉजिटिव एक कार्ड नेगेटिव नहीं आया है आज एक कार्ड मतलब आप समझ जाओ कि क्या बदलाव आने वाले हफ्तों में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो और बॉटम डेक हमारे पास है दैट इज़ फाइव ऑफ वॉन्ट्स ओके तो ये अवेयरनेस यहाँ पर आ गई है तो मैं इस कार्ड को भी यहाँ ले लेती हूँ आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कार्ड्स का इंडिकेशन का क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को तो हमारे पास जो जो कार्ड यहाँ पर आए हैं दैट इज़ वी हैव थ्री ऑफ कप्स एस ऑफ सोड्स द फूल सिक्स ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ वॉन्स और बॉटम डेक में है वी हैव फाइव ऑफ वन्स ये हफ्ते की शुरुआत बहुत ही मैसिव तरीके से होने वाली है इसलिए होने वाली है क्योंकि सबसे पहला इंडिकेशन ही यूनिवर्स का आ गया है कि बहुत सारे लोग आए मस्ट से बहुत सारे लोग इस हफ्ते से एक बहुत ही नए बिगनिंग के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास टाइम में ना बहुत रिस्क ली है चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिसीजंस बनाने की कोशिश करी है आपने अपने स्तर से यू you नो know, पूरा ट्राई करा है कि मैं हर चीज़ में हंड्रेड परसेंट दूँ और ऐसा लगता है कि जो आपने दिया है वट यू हैव गिवन इन द यू नो इन द पास टाइम वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा ये आप हंड्रेड परसेंट लेकर देख लो ये हफ्ता यू नो गिविंग वाला नहीं है रिसीविंग वाला है गिविंग तो देखो वी डू इट एवरी टाइम लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ इंसान सोचता है कि वेन थिंग्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल कब मेरे फेवर में होगी तो ये इंडिकेशन बहुत पॉजिटिव है पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी उसके बाद हर एक कार्ड को डिटेल में समझेंगे क्योंकि आज का कार्ड्स मतलब आज के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं तो कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं इनहेल एक्सेल करें और कार्ड्स के साथ जुड़ें नो की एक्सप्लेनेशन में भी डिवाइन कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हो डिवाइन गाइड करें थ्री ऑफ का थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें थोड़ा शफल कर लें अपन ताकि प्लीज़ डिवाइन गाइड करें थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या इंडिकेशन देना चाहता है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या इंडिकेशन देना चाहता है वाह मेक द एफर्ट मेक द एफर्ट वेरी पॉजिटिव एस ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है एस ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है डिवाइन एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को एस ऑफ सोट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है एक्सपर्ट आ मिराकल मैं क्या ही बोलूँ एक कार्ड नहीं आज तो सारे कार्ड ही आपके फेवर में आए हैं और आपको एक नहीं बट अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स देने आए हैं पहला कार्ड का है मेक द एफर्ट और दूसरे कार्ड का एस ऑफ सोट्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि किसी प्रकार का मिराकल होने वाला है किसी प्रकार का मिराकल आप आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़ गाइड करें नथिंग टू वरी अबाउट थिंग टू वो मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा जोन आने वाला है जहां पर आपने चीजों को जितना दिया है यू आर गोइंग टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज और यहाँ पर देखो सबसे प्यारा इंडिकेशन है मतलब सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हमें क्या बता रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हमें क्या बता रही है डिवाइन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है लिव योर पैशन एक लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स प्रपोजिंग वाह ये तो एनर्जी से ही समझ में आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है बॉटम डेक में आया है दैट इज लिव इन द मोमेंट ओके सारे कार्ड्स आप लोग के सामने हैं शफलिंग आपके सामने हुई है सब चीज आपके सामने है और आज पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है नॉट इवन अ सिंगल कार्ड इज नेगेटिव एक्सेप्ट वन लेकिन उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे पहली बात करी जाए एफ़र्ट्स की तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली फ्लो होने वाली हैं चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं बहुत सारे लोग अभी अपने बिजनेस में बहुत सारे लोग अभी अपनी लाइफ में प्रोफेशंस में भी देखूं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखूं किसी प्रकार के चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यही चेंजेस आने वाले टाइम में विद इन मैं इस पूरे सात दिन की बात कर रही हूँ जो आने वाले हैं आप मैसिव शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो सबसे पॉजिटिव बात देखो यहाँ पर कार्ड्स की क्या आई है कि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को भी कौन दर्शा रहा है मेक द एफर्ट अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है द पार्टनर इज गोइंग टू मेक द एफर्ट अनएक्सपेक्टेड वे में आई कैन सी योर लव लाइफ इज ग्रोइंग मिराकल भी यूनिवर्स कह रहे हैं प्रपोजल भी लोगों के पास आने वाला है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी न्यू प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये भी समझ में आ रहा है उसके लिए आप भी बहुत एक्साइटेड हो आप भी इस चेंज को देखना चाह रहे हो आप भी इस चेंज को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी भी दिली इच्छा है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की और ये सबसे अच्छी बात क्यों दिख रही है मुझे क्योंकि जो सोचने का समय था जो नेगेटिव होने का समय था या जो यूँ परेशानी वाला जोन था ना लाइफ का वो धीरे धीरे ना मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अब अपनी लाइफ में एक अच्छे जोन की तरफ पहुँचने वाले हैं बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये हफ़्ता उन लोग के लिए काफ़ी मैसिव एनर्जी वाला हो सकता है सो आई कैन जेन्यूनली सी कि यू गाइज आर गोइंग टू लिव फ्रीली बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से रहने वाले हो चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो ये भी मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं हो सकता है सामने वाली पार्टी अनएक्सपेक्टेड कॉल या अनएक्सपेक्टेड मैसेज के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकती है आपके साथ समय बिताने की कोशिश कर सकती है या इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपके साथ यू you नो know, एक अच्छा इंडिकेशन मुझे उनका दिख रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस हफ्ते फिनेसिस का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है या फिनेसिस का गेन हो सकता है फिनेंसिस में बेटर हो सकता है सामने से कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जिस चीज़ में आपने बहुत रिस्क लगाई है जिसको आपने बहुत पॉजिटिवली मैनर में यू you नो know, देखा है पास्ट लाइफ में आई कैन सी कि ये टाइम अब आपका ऐसा होने वाला है यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अगर आपको इस हफ्ते रेनबो दिखता है अगर आपको इस पूरे हफ्ते रेनबो दिखता है तो आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है सबसे पता इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स जो दो कार्ड्स में इंडिकेशन दिया है कि अगर आप ना जैसा चल रहा है वैसा चलने दोगे अपने प्रेजेंट जोन में जियोगे तो वो सारी चीज़ें रिसीव कर सकते हो एक मेराकल के फॉर्म में लेकिन उसको भी रिसीव करने के लिए उसको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको अपने स्तर से रेडी होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचो मत चीज़ों को लेकर ना ज़्यादा नेगेटिव मत हो जैसा चल रहा है प्रेजेंट में अभी आपको उस सिचुएशन को जीना पड़ेगा ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में आने वाले हफ्ते में चीज़ों में एफर्ट्स लगाएंगे चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली यूज़ करेंगे इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो आने वाला हफ्ता अब आपके इंट्यूशंस बोलेंगे आपके अंदर की आवाज़ बोलेगी कि क्या करना है कैसे करना है कैसे बदलावों का एक्सपीरियंस करना है जो आप में से बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव कर सकते हो मैं ये नहीं बोल रही हूँ नेगेटिव हो या मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें ख़राब होगी लेकिन अब आ जाती है सबसे नेगेटिव बात क्योंकि हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे हम उसको सामने से यू you नो know, नहीं जाने देंगे अगर अच्छी बातें होती हैं तो गलत बातें भी होती हैं या अगर बोला जाए तो अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है और ऐसा लगता है मुझे आप लोगों की रीडिंग्स को देख कर आज के दिन यू you नो know, जो मेरे सामने पिक्चर है कि एक सबसे जो नेगेटिव चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में वो ये हो सकती है कि किसी से किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन हो सकता है किसी से किसी प्रकार की मिसकम्युनिकेशन फाइटिंग हो सकती है हो सकता है सामने वाला जो बोले वो आपको सही ना लगे हो सकता है सामने वाला जो एफर्ट्स लगाए वो आपको सही ना लगे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा कॉम्पिटिशन वाली भावना हो सकती है कुछ लोगों के अंदर कि मुझे आगे जाना है मुझे लड़ना है मुझे बेटर करना है और उस वजह से ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे आपको अवेयर रहना है किसी भी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट ना करें आर्ग्यूमेंट से बचें क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपको थोड़ा नेगेटिव जोन में लेकर जा सकता है माना आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आप बहुत चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो आप बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हो लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ मैं आपको क्लियरली ये चीज बता सकती हूँ कि नेगेटिव होने से बचे नेगेटिव भी ना बोलूँ तो किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट किसी के साथ ना रखें क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट किसी लड़ाई को दर्शा सकता है किसी के साथ कि आपकी अनएक्सपेक्टेड ना मैं बोलूँगी नेगेटिविटी यू नो हो सकती है आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि आप रीडिंग्स में ये क्यों नहीं बोलते कि ऐसा होगा या वैसा होगा तो मैं आपको आज आज इसका एक रीज़न बता देती हूँ यू नो हमारा जो ब्रेन होता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है या हमारा जो लाइफ ऑफ लिविंग वाली सिचुएशन होती है मान के चलो एग्जांपल दे रही हूँ कि इसका नहीं दूंगी मैं आपको एग्जांपल मैं आपको किस चीज़ का मैं एग्जांपल दूँ चलो इसका ही दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं और यहाँ पर फोटो है एग्जाम्पल सोचो ये आपके सामने ये लेडी बैठी हुई है ओके सोचो आपके सामने ये लेडी सेम ऐसे ही बैठी हुई है अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका पर्सपेक्टिव होगा कि अच्छी लग रही है बहुत सारे लोग बोलेंगे ड्रेस बहुत सुंदर है बहुत सारे लोग बोलेंगे गर्ल बहुत प्यारी लग रही है बहुत सारे लोग बोलेंगे उनके हेयर्स अच्छे लग रहे हैं अब कुछ लोग ना इसमें नेगेटिव भी निकालेंगे नेगेटिव आजन एक जेन्यन बात होता है इतनी धूप में क्यों बैठी हुई है इतनी धूप में नहीं बैठना चाहिए फोटोशूट क्यों हो रहा है यू नो ऑल सच सॉर्ट ऑफ नेगेटिव टॉक्स अब मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर मैं आपको बोलूँगी माय डियर कि आज पता है आपको एक ऐसी लेडी मिल सकती है या आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आ सकती है लेकिन थोड़ा अवेयर रहें थोड़ा अवेयर इसलिए रहें क्योंकि हो सकता है यहाँ पर किसी प्रकार की स्विमिंग पूल के अंदर किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो सकती है एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपका माइंड क्या पड़ता है ये लेडी तो आपको दिख रही है और मैंने आपको बोला कि आज आपको एक ऐसी लेडी दिखेगी और इस स्विमिंग पूल में कुछ मिस हो सकती है अब आप में से या हम ह्यूमन्स में से नाइन्टी फाइव परसेंट लोग क्या बोलेंगे लेडी पर फोकस नहीं करेंगे यहाँ क्या हो रहा है उसको देखो यहाँ क्या होने वाला है उसको देखो जो उनको ब्यूटी दिख रही है जो उनके सामने पॉजिटिविटी हो रही है वो नहीं देखेंगे भले ही यहाँ पे कुछ ना भी हो रहा होगा सामने वाले ने डरा दिया आपको कि ऐसा होने वाला है ऐसा होने वाला है और हम क्या हमारे अंदर एक डर बैठ जाएगा और उस वजह से हमारे सामने जो प्रेजेंट में पिक्चर हो रही है हम उसको क्या कर देते हैं डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं उसको नेगेटिव कर देते हैं और हम वो पीछे जो सिनारी होने वाला है जो नेगेटिविटी होने वाली है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग है डेज ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है अगर आप क्लाइंट से बोलोगे ना कि या किसी से भी अगर आप बोलोगे यार तुम्हें ना ऐसा करना है ऐसा नहीं करना तो जेनविनली पर्सन वही करेगा जिससे अपन करने को मना करेंगे ये इंसान की थिंकिंग होती है इंसान का वे ऑफ लिविंग होता है इसलिए अगर मैं आपको रीडिंग्स में ये बोलूँगी कि कल उससे लड़ाई होगी कल वो आपको ये बोलेगा कल वो आपको ये, ये, ये बोलेगा कल आपके साथ उसका ऐसा होने वाला है आप मेरे पास क्यों आए हो टू टेक सम गाइडेंस टू टेक प्रॉपर पॉजिटिविटी टू नो द रेमेडीज़ अब पता क्या होता है अगर मैं क्लाइंट को पहले से डरा के भेज दूँ ना कल ऐसा होगा कल वैसा होगा वो बेचारा आदमी मेरा डरा हुआ है मैं उसको और डरा दूँ क्या मतलब क्या वो वट वट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस तो आप लोग इस चीज़ को समझा करें देखो अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करा तो ही जीत होती है क्यों ना एक बचपन में बहुत अच्छा कोट था कि इन नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो इफ यू विन देन यू आर द पॉजिटिव ऐसा कुछ एक कोट चलता था कि अगर बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव हो मतलब आप जीत चुके हो ऐसा एक कोच चलता था सेम मैं आपसे इसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ अगर मैं रीडिंग्स में आपको कुछ बता रही हूँ ना तो उसको आप ध्यान से समझो अब मैंने ना इतने कार्ड्स यहाँ पे देखो मैंने कितने कार्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बारह कार्ड्स हैं और बारह कार्ड्स में से ना सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव है ओके तो वो बाकी के ग्यारह नहीं दिखेंगे मुझे या लोगों को वो सिर्फ उनको वही वाला कार्ड दिखेगा अरे क्या वो नेगेटिव क्या है वो क्यों होगा सो so उस पर फोकस अपन को नहीं करना है अपन को उस पर फोकस करना है जो पॉजिटिव तरीके से हमारी लाइफ में आएगा गेटिंग तो ये चीज़ आप ध्यान से समझें अपने पैशन को जीत दिल से जीते हैं बहुत सारे लोग डराएंगे बहुत सारे लोग धमकाएंगे बहुत सारे लोग अच्छी सिचुएशन में भी ना आपको नेगेटिव बना देंगे ऐसी दुनिया आजकल इसलिए इतना डरना नहीं है प्रैक्टिकल माइंड से जियो जिंदगी कोई आपको डरा नहीं सकता कोई आपको फूल नहीं बना सकता ओके ये चीज जरूर समझें लेकिन एक हिंट दे देती हूं हो सकता है कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलेशन हो हो सकता है किसी के पास अच्छा प्रपोजल आए हो सकता है सामने से पार्टी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे हो सकता है कार्यर टर्म्स में अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा है या कहीं जॉब पर वर्क कर रहे हो किसी प्रकार का बहुत अच्छा डिसीजन इन शॉर्ट किसी प्रकार का बहुत बड़ा सक्सेस आपके हाथ में होने वाला है तो इसको आप पॉजिटिवली डील करें इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव जोन में ना ले जाएं मेरे को जो पिक्चर यहाँ पर दिख रही है जो मेरे सामने आई है पहले कार्ड का ही संकेत मैं समझ गई थी कि आज की रीडिंग यू नो बहुत पॉजिटिव होने वाली है या आज की रीडिंग्स का एक बहुत अच्छा संकेत हमें मिलने वाला है जो कि आ गया है प्रपोजल भी आया है रियूनियन भी आया है दोनों कार्ड्स का संकेत देखो आप कितना खूबसूरत है और हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है और हमें इस पर बिल्कुल फोकस करना है कि आने वाले समय में बहुत चीज़ें होगी किसी की बातों पर ध्यान ना दें किसी के साथ फोकट में आर्ग्यूमेंट ना करें अपनी एनर्जीज़ में जियें अपने आप पर फोकस करें आई एम डैम श्योर जो आने वाला टाइम होने वाला है इस हफ्ते का बहुत खूबसूरत होगा बहुत ही नई बिगनिंग के साथ होगा जिसको आपको पॉजिटिवली डील करना है बाकी पूरी पिक्चर आपके सामने है चीज़ों को ले नेगेटिव ना रहें किसी भी चीज़ को लेकर ना ज़्यादा सोचें थोड़े एफर्ट्स अगर कहीं लग रहे हैं तो लगाएं पीछे ना हटें बिकॉज सम यू आर गोइंग टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड मिराकल दिस वीक तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मिलते हैं आठ बज के आठ मिनट पर न्यू रेमिडी न्यू वीडियो के साथ तब तक लिए आप सब मेरे साथ क्या बोलेंगे राधे राधे